हेलो दोस्तों, इस समय एक बुरी खबर आ रही है। भारतीय राजनीति से गोवा के तथा राजनीति के मिस्टर क्लीन मनोहर पारिकर जी का निधन हो गया है। जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जी का निधन हो गया है। कैंसर से जूझ रहे थे गोवा के सीएम मनोहर पारिकर। अमेरिका में भी करवाया था इलाज। 3 बार रहे गोवा के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री का भी पद संभाला था। सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी परेशानी बढ़ गई थी। इसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनकी हालात सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति लगातार गिरती गई। उनके निधन से देश गम में डूब गया है। राजनीति, सिनेमा, कला जगत से जुड़ी हस्तियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पारिकर सियासत में सादगी की जीती जागती मिसाल थे। जी हाँ, 63 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। मनोहर पारिकर अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निधन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर मनोहर पारिकर के निधन पर दुख जताया है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का निधन रविवार शाम 6:40 पर हुआ। पिछले 1 साल से बीमार चल रहे गोवा के भाजपा के वरिष्ठ नेता का स्वास्थ्य 2 दिन पहले काफ़ी बिगड़ गया था। इससे पहले गोवा कार्यालय ने बयान जारी कर मनोहर पारिकर के स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब होने की जानकारी दी थी। गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि मनोहर पारिकर की हालत काफ़ी गंभीर थी। डॉक्टर उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बता दें कि मनोहर पारिकर पिछले दिन अचानक उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बीते शनिवार जानकारी मिली थी कि मनोहर पारिकर की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनका स्वास्थ्य सुधरा रहा है, ये बयान जारी किया गया था। पारिकर जी की मृत्यु पर देश, मोदी जी ने तथा सभी राजनीतिक दलों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। देश के जाने माने राजनीतिक हस्ती रहे मनोहर पारिकर जी अब नहीं रहे हैं। हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। देश इतनी बड़ी क्षति को नहीं सहन कर सकता है।